प्रिय दर्शकों, श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2021 में यह पूरा महीना। हम आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आपको बताते हैं कि इस महीने में कौन सा व्रत अथवा त्यौहार आएगा। इस महीने में श्रावण शिवरात्रि 6 अगस्त को होगी और नागपंचमी 13 अगस्त, रक्षाबंधन 22 अगस्त, श्री गणेश चतुर्थी 25 अगस्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को होगी। हम आपको बताते हैं कि इस पूरे महीने में कौन से तारीखें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए, जान लीजिए। इस महीने में 1 अगस्त, 3, 12, 18, 20, 21, 27 और 30 अगस्त को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो यह तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी पूरा महीना। कर्क राशि के लग्न पर ही सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। बुध आदित्य योग बना रहे हैं। आपके बुद्धि से किए हुए कार्यों से आपको सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, हर प्रकार से लाभ होगा। इस महीने आपके द्वितीय घर मंगल के साथ शुक्र लक्ष्मी योग बना रहे हैं, जो कि धन की वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बन सकता है। लेकिन आपको क्रोध से बचना चाहिए। पेट का विशेष रूप से इस महीने आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस महीने केतु पंचम पर बैठे हैं, जो कि पेट की दिक्कत दे सकते हैं। कुछ संतान को भी लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। विद्या में आलस या रोड़ा पड़ सकती है। सफलता तो आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन रोड़ा आलस के बाद। अब हम आपको बताते हैं इस महीने बृहस्पति क्या स्थिति रहेगी। इस महीने में बृहस्पति आपके अष्टम में रहेंगे, जो कि थोड़ी सी कभी कभी चिंता भी दे सकते हैं। लेकिन धन की वृद्धि होगी, लेकिन शुभ कार्यों में खर्च की भी संभावनाएं बनी रहेंगी। इस महीने अगर आप गाड़ी इत्यादि लेना चाहते हैं या मकान लेने की इच्छा हो रही, बहुत अच्छा महीना है, आप इसमें ले सकते हैं। विद्या में सफलता, कोई अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह महीना बहुत अच्छा जाएगा। आपको अचानक लाभ हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी इस महीने अगर आप चाहें तो सफलता मिल सकती है, बहुत अच्छा योग है। और दक्षिण दिशा से या नैऋत्य कोण से आपको इस महीने अच्छा लाभ हो सकता है। हम आपको बताते हैं शनि की स्थिति। इस महीने में शनि आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि बिजनेस की वृद्धि होगी, लेकिन पत्नी को थोड़ी सी कष्ट हो सकती है। आपको भी भाग दौड़ की संभावनाएं बन सकती हैं। थोड़े से खर्च पे कंट्रोल करिए। शनि की सातवीं दृष्टि लग्न पर है, आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध, टेंशन भी आ सकता है। दसवीं दृष्टि भूमि भवन वाहन पर है। भूमि भवन वाहन को लेकर सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि उच्च दृष्टि है, माता से सुख मिलेगा और पिता को थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा की संभावनाएं बन सकती हैं। इस महीने ज़्यादातर आपका ग्रह अच्छा है। केतु पंचम है, पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। केतु की पांचवी दृष्टि नवम पर है। आपकी तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रोड़ा आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में गरीबों को दान करिए तो बहुत अच्छा रहेगा महीना। हम आपको बताते हैं कि पूरे महीने में राहु की स्थिति, राहु लाभ पर है, उच्च के हैं, जो कि अचानक लाभ होगा। लेकिन उनकी पांचवी दृष्टि मित्र पर है। किसी मित्रों से आपको कष्ट हो सकता है या भाइयों से पीड़ा हो सकती है। किए हुए कार्यों में असफलता मिल सकती है, जो कि आप थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। राहु की सातवीं दृष्टि संतान पर, संतान बहुत चिंतित रहेंगे या विद्या के प्रति चिंतित, आलस आपको आएगा ज़्यादा। नवीं दृष्टि आपके पत्नी पर है, पत्नी को भी सारी पीड़ा मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर यह महीना बहुत अच्छा है। अब हम आपको बताते हैं कि यह पूरे महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह पूरे महीने में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बस नाक, गला और पेट का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कैसा रहेगा इस महीने व्यवसाय। इस महीने में व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा और कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तब भी अच्छा है। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, व्यवसाय चलता रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। कैसा रहेगा दाम्पत्य। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा अनबन की संभावनाएँ बन सकती है आपस में। अगर कहीं प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी दिक्कत आपको आ सकती है। आपको बताते हैं कैसा रहेगी विद्या। इस महीने में विद्या में भी आलस, दिक्कत या रोड़ा पड़ सकता है। थोड़ा विद्या पे और फोकस करना है, पढ़ाई और पर ध्यान रखना है तो आपको लाभ होगा। अब हम आपको बताते हैं सुख कैसा रहेगा इस महीने। सुख के कारक लक्ष्मी योग बना रहे हैं मंगल के साथ सुख, जो कि आपकी उन्नति होगी। भूमि भवन वाहन और माता से लाभ होगा। समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए इस महीने में आपको। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की आराधना करें। इस महीने आप जो है प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं और
भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, बेलपत्र चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा यह महीने। प्रिय दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी जानकारी हो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सब उपाय बताया जाएगा। आप फ़ोन करिए या व्हाट्सएप करिए या कमेंट करिए, सब आपको बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।